हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि हमने शक्कर में पानी डाले बगैर ही ये कुरकुरी तिल पापड़ी घर में कैसे बनाई है। हमने एक कटोरी में शक्कर ली है और दूसरे कटोरी में तिल लिए। अब हम तिल को भूनेंगे। हमने अपना बर्तन गैस पे रखा है और गैस को हम खोल लेंगे। और बात की हमारी ये तिल जब भून जाएंगे ना तो हल्के से गुलाबी हो जाएंगे और इनसे आवाज भी आने लगेगी, कुछ ही लगेगी भूनने से। ये हमारी शक्कर जब पिघलती है तो ये रेड सी हो जाती है। देखिए, ये हमारी शक्कर घुल गई है। अब हम शक्कर पे ही गैस को धीमा कर देंगे और इसको कंटिन्यू चलाएंगे। अब हम गैस को बंद कर देंगे। तेल को डालेंगे। अब हमने इधर तेल डाल दिए हैं। अब हमें एक काम और करना होगा। इसको हम अच्छे से मिक्स तो करेंगे ही, साथ में हमें जहाँ पे बेलना है उस जगह पर ऑयलिंग करेंगे, यानी तेल भी कुछ भी लगाएंगे। पापड़ी को तेल जगह पर बेलेंगे, इसलिए हम उधर पर ऑयलिंग करेंगे। तेल या घी जो भी हो हम उसमें लगाएंगे। हमने इधर घी लगाया है और बेलन पे भी लगाया है। आप चाहे तेल भी लगा सकते हैं। इससे पहले हमें इसको बेलना था, उसको चिकना कर दिया है। अब हम उसी जगह पर इस मिक्सर को डालेंगे और अगर आप चाहो तो इसे चकला बेलन से भी बेल सकते हैं। बस हमें ये ध्यान रखना है कि उसमें ऑयलिंग करनी होगी, यानी घी तेल कुछ भी लगाना होगा, वरना ये हमारे बेलन में और चकले में चिपक जाएगा। देखिए, इस तरह से हमने इसको अपने गैस के प्लेटफॉर्म पर रख दिया है और हम इसे बहुत जल्दी जल्दी बेल सकते हैं, वरना ये सूख जाएगा और पतला नहीं मिलेगा। पापड़ी को जितना पतला चाहे बेल सकते हैं, क्योंकि अभी एकदम आटे के माफिक ही है। हमें ये ध्यान रखना होगा कि ये जम ना जाए, क्योंकि ये बहुत जल्दी जमता है और एकदम कुरकुरा हो जाएगा, फिर ये बेलते नहीं बनेगा। हम इसको कितना भी पतला कर सकते हैं, जितना चाहे आप उतना पतला बेल दो, लेकिन ये गर्म में ही बेलता है, उसके बाद ये ठंडा होने से एकदम कड़क हो जाएगा।
इसको बहुत पतला कर लिया और देखिए ये पूरी की तरह बिल्कुल हिल रहा है और देखते ही देखते ये 2 मिनट के अंदर एकदम पापड़ की तरह हो जाएगा और ये कुरकुरा रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा मिल गया है और आप चाहें तो इसे किसी भी शेप में कैंची से काट सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए कितना पतला मिला है, हम इसे कितना भी पतला ले सकते हैं और 1 मिनट के अंदर ये कड़क हो जाएगा। देखिए ये कड़क होना शुरू हो गया है, इसे हम चाहें तो कैंची से भी गर्म में ही काट सकते हैं और चौकोर पीस काट सकते हैं, इसे किसी तरह से भी पीस काट लें। हम इसे हाथ से तोड़ रहे हैं इसलिए इस तरह से टूट रहा है। फ्रेंड्स देखिए हमें ये पापड़ी कितनी कुरकुरी बनी है, हमने इसको गर्म गर्म बेला था इसलिए एकदम पतली मिल गई है। अगर आप चाहो तो इसको बेल के इसको कैंची से भी चौकोर पीस में काट सकते हैं, लेकिन हमने ये चौकोर पीस नहीं काटे, हमने पूरा बेल के इसे हाथ से तोड़ा है। देखिए फ्रेंड्स कितनी कुरकुरी पापड़ी बनी है, कितनी तेज कुरकुरी बन की आवाज़ भी आ रही है, ये बहुत टेस्टी है। कमेंट्स करके हमें बताइए कि आपको हमारी पापड़ी कैसी लगी और हमारा वीडियो कैसा लगा। प्लीज हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।